Oke, tadi lagi dulu. हाँ जी भैया, सत श्री अकाल जी, सारे नु की हाल चाल जी। एक मिनट सीधा कर लिए बूट का बतावा, थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा क्योंकि अज थोड़ी जी दौड़ जी लाई है कि मजाक में जी दौड़े थे, तो ये बतावा निकल गया शूज़ का साइड में, इसको फिट कर लें। तो भैया आज है Q&A, टाइटल तो पढ़ ही लिया है, आज है Q&A। ठीक है, इसलिए Q&A क्योंकि मैंने वादा किया था भैया मैं हर दूसरी या तीसरी वीडियो के बाद Q&A कर दिया करूँगा, लेकिन आपका भाई वादों पे खरा नहीं उतरा, तो मैंने सोचा ओ तेरी भूल गया। तो भैया आज Q&A करने जा रहे हैं, तो करने स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी असाइनमेंट मीटिंग वाली, तो उसमें 141 कमेंट हैं, ट्राई करते हैं सबका रिप्लाई देने का, जितनी भी लंबी बन जाए कोई चक्कर नहीं, अपन लोग उतनी ऐड ठोक देते हैं। तो बने रहो भैया, जिसने भाई ने कमेंट किया है टेंशन नहीं लेनी है, सबके जवाब मिलेंगे, आज बहुत टाइम है। हाँ, तो पहले है वेद प्रकाश का फर्स्ट व्यू, थैंक यू भाई। अगला है इनसाइड द वीडियोस का, भाई ने दो बार ऐसे दांत दिखाए हैं, फिर पीले रंग का दिल भेजे हैं भाई ने तीन, और दो बार आंखें चमकाई हैं दिल वाली, है देख लो इधर दिख रहा है ना। हाँ, तो ये सीन है इधर। और अगला है जी नमन श्राया का, हेलो। हाँ जी बताएं जी। अगला है जी लवली शाह का, भाई इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दिया करो। सॉरी भाई टाइम नहीं मिलता तो इसलिए रिप्लाई नहीं उतर कर पाते, तो इसलिए Q&A वाला सिस्टम चलाया था हमने, लेकिन उन बातों पे हम खरे नहीं उतरे, तो उसके लिए सॉरी, अभी चल रहा है इधर काम। अगला है जी उस्मान अली का सेकंड व्यू, थैंक यू भाई। अगला है जी चंगे मुंडे, भाई के चैनल का नाम है। भाई PR किवें मिलती है? भाई PR मिलती है तुहानू मेहनत कीते आ, स्टडी करो, वर्क परमिट लो, उस तो बाद PR अप्लाई करो, सब तो जरूरी चीज़ है। पहले वीज़ा लो इतों का। इनसाइड द वीडियोज़ फिर से भाई का कमेंट, भाई आई एम कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर सम मंथ, हो वी विल मीट देयर। जरूर जी आओ जी, मोस्ट वेलकम है। अगला जी प्रभ संधू का, ब्रो असेसमेंट लेवल चेंज होने दे नाल किन्ना क फर्क पाऊ वीज़ा लैंड च? हाँ जी हो गया है जी, वो हो गया। सीन ऐसा है भाई, पहले इंडिया को लेवल 2 में कर दिया गया था, जिसमें ऐसा सीन होता है कि अगर आप बिना आइल्स और बिना फंड शो किए भी अपना फाइल लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत लोगों को नहीं पता था। तो क्राइटेरिया होता है कि आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, ये कुछ सिस्टम होता है। तो ये वीज़ा क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग लेके आए थे, लेकिन अभी वो बंद कर दिया है। ये चाइना वगैरह जो कंट्रीज़ है, चाइना हो गई या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको मिलता है बिना फंड शो किए और बिना आइल्स के, वो इधर आ सकते हैं। तो अभी लेवल 3 में आ गया, तो जैसे मैं आया था ना, फंड शो करो और आइल्स करो, सेम वही प्रोसेस है, कोई चक्कर बाकी कुछ नहीं है। अगला जी उस्मान अली कहने से, भाई आपको ऑटोमोटिव इंजीनियर कोर्स की वीडियो मिल गई, प्लीज़ कोई जुगाड़ कर दे, लव यू। भाई नहीं मिली जी, सॉरी, क्योंकि मैंने हर्ष से कहा था, हर्ष अभी फ्री नहीं है, तो उसने बनाने के लिए मना कर दिया। सीधी सी बात है कि यार उसने मेरे से पैसे मांगे थे, मेरे पास है नहीं, तो उसने मना कर दी वीडियो, जो बात है। अगला जी AX जोन फर्स्ट कमेंट, थैंक यू भाई। अगला फिर है, अगला है नवजोत सिंह का, हेलो वीर जी, ऑस्ट्रेलियन यूनिच एडमिशन लैंड लई मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट की आ? 6 बैंड भाई साहब। अगला जी करम खैरा का, हेलो भाई अपना नंबर सेंड कर देना। सॉरी वीरे नहीं कर सकते जी। अगला है जी चिराग कपूर का, वीरे मैं इंडिया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग दा 3 ईयर डिप्लोमा किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट कर सकता। भाई कर सकते हो, बट तुहानू वीज़ा तो ही मिलेगा जो मैकेनिकल रिलेटेड आता कोई कोर्स लोगे, बाद आके तो चेंज कर लो अलग गल है। अगला जी करीम अली का, भाई ने लिखा 2 views 13 likes। भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये YouTube का ग्लिच है, मैं भी जब देखता हूँ ऐसे सीन होता है। अगला है नारायण चौधरी का, भाई Q&A नहीं किया आपने, मैंने सवाल भाई कर दिया जी, अब पूछ लो। किया था कि मैं एम फार्म का क्या स्कोप है, मैं आना चाहता हूँ आफ्टर बी फार्मा कंप्लीट करके। भाई इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, सॉरी भाई। अगला है जी मनमीत, भैया किसी का नाम गलत ले लिया जाए उसके लिए सॉरी। अगला है मनमीत मारवाहा, भाई कह रहे हैं 87th व्यू, थैंक यू भाई। अगला है विकास खत्री का, असाइनमेंट हार्ड होते हैं ईजी? सुनो भाई, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपके लिए ईजी है, अगर मेरे जैसे फिसड्डी हो तो आपके लिए टफ है। अगला है सुंदर कीर्ति का, ब्रो आई हैव 68% इन बीटेक,
ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਕਲੋਗ ਆਈ ਪਾਸ ਆਊਟ ਇਨ 2017 ਦੋ ਸਾਲ ਕਾ ਗੈਪ ਐਂਡ ਮਾਈ ਆਈ ਸਕੋਰ 6 ਬੈਂਡ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਨਾ ਪੜੇਗਾ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੋ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਕਾ ਨਾਈਸ ਬਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੀ ਐਸ ਕੇ ਵਲੋਗ ਕਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਪੇ ਬਣਾ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 3 ਮੇ ਆਏਗਾ ਆਫਟਰ 30 ਸਪਤੰਬਰ ਵੋ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਤੋ ਲੈਵਲ 3 ਵਹੀ ਹੈ ਬਤਾ ਦੀਏ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਰ ਕਾ ਭਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਸੋਰੀ ਭਾਈ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰੀ ਅਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਨੀਡ ਫੋਰ ਯੋਰ ਈਮੇਲ ਪਲੀਜ਼ ਭਈਆ ਮੈਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਤਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ nsjvlogs851@gmail.com ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਰੂਹਲ 2000 ਕਾ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਐਸੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕੇ ਲੀਏ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੈਯਮ ਏਆਜ ਕਾ ਭਈਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਂ ਹਮ ਲੋਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੇਂਗੇ ਆਪਕੋ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗਾ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੋ ਸੋਰੀ ਭਾਈ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਬਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਆਪ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਂ ਅਗਰ ਆਪ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾ ਅਗਰ ਵੋ ਪਕੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਇਆ ਤਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਸਮਝੇ ਭਾਈ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਈਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਚੱਕਰੋਂ ਮਤ ਪੜਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕਾ ਚਲੋ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਮਤ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਹੀ ਰਾਏ ਦੂੰਗਾ ਜੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਭਲੇ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੀ ਸੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤਾ ਨਾ ਅਗਰ ਵੋ ਪਕੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸੀਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਤੋ ਚੱਕਰੋਂ ਮਤ ਪੜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋ ਕਰੋ ਹੀ ਮਤ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੋ ਉਸਸੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਇਰਸ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ BCA ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਫਸਟ ਸੈਮ 'ਚ ਹਾਂ BCA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ SKL ਵਲੋਗਸ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਕਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਬਸ ਇਹ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਪੇ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋਬ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੇ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋਕਰ ਵਾਲਾ ਜੋਕਰ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੋ ਆਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਲਿਊਟ ਬਰੋ ਕਾਸ਼ ਇਤਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇ ਵੀ ਹੋਤਾ ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਤੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਹਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਤੇ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਸੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਢੂੰਢ ਲਓ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਆਪਕਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਨੇ ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਜੀ YRF ਕਾ ਬੱਲੇ ਵੀਰੇ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇਸ਼ਨ ਕਾ ਬਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਤਬ ਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੂੰ ਜਬ ਤੁਹਾਰੇ 10 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਕਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਸ਼ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਗ ਫੈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਥਾ ਤੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਦੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਸ਼ ਤੋ ਯਸ਼ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਬ੍ਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਕਿਲ ਗੇਮਿੰਗ ਭਾਈ ਕਾ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ ਭਾਈ ਕਾ ਬਰੋ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਨੇਪਾਲ ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਟ ਨੇਪਾਲ ਇਨ ਲੈਵਲ 3 ਐਜ ਸੇਮ ਐਜ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਐਮ ਅਨਨੋਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਮਤ ਪੜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗੇਂਗੇ ਸਭ ਕੇ ਲਗੇਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਡ ਬੋਏ ਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
हमारे पास भैया उतना दिमाग नहीं है कि हम प्रैंक वीडियो बना पाएँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो प्रैंक वीडियोस होती हैं वो पूरी स्क्रिप्टेड होती हैं, तो हम तो अपने ब्लॉग की स्क्रिप्ट नहीं कभी लिखते हैं। एक वीडियो की मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी, वो थी मेरे इंट्रो वाली, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने जबान फंस जाती है, स्क्रिप्ट लिखने में भाई टाइम लगता है जो हमारे पास है नहीं। तो प्रैंक कभी नहीं आएंगे आपके भाई के चैनल पे, ना हमारा प्रैंक चैनल है, तो आपके भाई बस ये दे पाता व्लॉग तो इतना ही बहुत है। और प्रैंक वाला भी ये सिस्टम नेक्स्ट लेवल का, वो हम नहीं कर पाएंगे कभी, और उसके लिए पूरी टीम चाहिए, उसके लिए लड़कियां भी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के बिना इंडिया में तो प्रैंक नहीं होते, इधर भी नहीं होते। तो हमारे पास भैया वो गट्स नहीं है जो हम बना पाए, हम सीधे साधे बंदे हैं कि यही चलेगा हमारा भाई, तो प्रैंक कभी नहीं आने वाले भाई। अगला जी प्रब काम का, लव यू ब्रो, फुल सपोर्ट, वाहेगुरु मेहर करे, थैंक यू वीर मेरे। अगला है विजय पाल मंडीवाल का, भाई लेटेस्ट न्यूज़ देखी है इंडिया पाकिस्तान को, भाई भाई बहुत सुन लिया है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है यार, करो अप्लाई यार, कोई सीन नहीं इतना। गुरसेवक सिंह चाल, असेसमेंट लेवल बारे वीडियो बनाओ प्लीज़। यार ऑलरेडी बड़े जाने ने बनाती है, तो उन्हें चेक कर लो, क्योंकि मैं भी उही चीज़ें दसनी आ, मैं भी किसी की वीडियो देख के या किसी की इन्फॉर्मेशन लैके ही बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्नी जानकारी नहीं, बट जिन्ना मैंने पता है मैं वो तुम दसता, इन्ना कोई चक्कर है नहीं गा, सारे लगते हैं। बाकी लोगों ने वधा चढ़ा के दस देना व्यूज़ लैन लिए, देख लियो उन्होंने भी, कोई इन्ना सीन नहीं है यार, सारा जो इन्फॉर्मेशन लो। मैं यही कहना भी खाली मेरी वीडियोज़ देखा करो, जिन्हें भी इतनी यूट्यूब करते, जिन्हें भी मुंडे कुड़ियाँ या कोई भी उत्तों पहले करते हैं, सारे ने देखो, हर एक तो तुम्हें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारे ने देखो वीरे। लभी माण आ न्यू रूल ते वीडियो बनाओ वीरे, बन जूगी। अगला है जी परवेश बिश्नोई का, लव यू भाई, लव यू टू भाई। गुरविंदर बराड़ का, भाई एक गल पुछनी सी, जिवें कि इंडिया च पंजाबी लोग मोस्टली बर्तना ते नाम लिखवाते सी, कि आस्ट्रेलिया विच ही नाम लिखवा सकते हैं कि नहीं। भाई तुम नाम लिखवा सकते हो, कोई चक्कर नहीं, बट इतने कोई लिखवादा नहीं, मैं हिसाब देखा देखा नहीं, क्योंकि इतने स्टील के भांडे नहीं आते, दूसरे आते हैं, क्रॉकरी क्रॉकरी नहीं होंगी, उन्होंने की कहें चीनी के भांडे, वो टुट भी जाते हैं। ब्रो आगे भाई का है, ब्रो आई अप्रीशिएट योर वर्क एंड स्टूडेंट लाइफ, मैं भी आ रहा आस्ट्रेलिया, थोड़े वीडियोज़ मैंने बहुत हौसले दिंदियां, हूँ डर जहा निकल गया बाहर जान जान दे नाम, भाई कीप इट अप, लगे रहो बस व्लॉगिंग च, रब तरक्या बख्शे, थैंक यू फॉर रीडिंग माई कमेंट, जे वधिया लग्या तां जरूर टैप करियो, थैंक यू सो मच वीरे, तुहाडा कमेंट पढ़ लिया गुरविंदर बराड़ वीरे। अगला है महेंद्र के परगी का, ब्रो मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप देख लो कैसा है, भाई इतना टाइम नहीं, आप लिंक सेंड कर देना, बाकी काम करते रहो, कोई चक्कर नहीं है, काम दबा के रखो, सब सेट हो जाना है। आयुष वर्मा का, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग, ऑलरेडी बनाई है भाई, नर्सिंग पे बनाई है, चेक कर लो, नर्सिंग कोर्स पे बनाई, नर्सिंग पे बनाई है कि नहीं बनाई, डिप्लोमा चेक कर लेना एक बार। अर्श गिल, असेसमेंट लेवल का की चक्कर पै गया भाई, चक्कर चुक्कर कोई नहीं पाया, टेंशन लेनी भाई, पबजी की लाइव स्ट्रीम कर लिया करो, ए वी 86 है भाई, परमानेंट कमेंट करता है, बाकी बहुत लोग करते हैं, तो भाई कह रहे भाई पबजी की लाइव स्ट्रीम कर लिया करो, सुपर चैट कर देंगे, फुल सपोर्ट। यार गुस्सा ना करे, बट यार सीन जहाँ नहीं मैंने पता ज़्यादा पबजी का, इदा ठीक है यार, कोई चक्कर नहीं, करो तो ही पबजी स्टार्ट करो, लाइव स्ट्रीम सपोर्ट करें, कोई चक्कर नहीं वीरे। अगला ही मुस्तफ़ा नजरी का, हाय आप यूनिवर्सिटी कितने दिन जाते हो हफ्ते में? भाई 2 दिन लगती है, 2 ही दिन जाते हैं हम लोग। ए वी 86 भाई का, फिर 11:25 भाई बेइज्जती की कोई बात नहीं है, अपने तो घर जैसी बात है, काम करने आए हैं भाई, सीधी सी बात है, इधर अपना वो हिसाब किताब नहीं है कि गाड़ियाँ दिखाएंगे आपको या अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, जो रियल है, मैं निगेटिव साइड नहीं दिखाता हूँ, लोग जानते हैं, एक बंदा दिखाता है, वो प्रॉपर मना करता है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, उसका भी ठीक है, चल रहा है धंधा, सबका चल रहा है, तो अपन लोग वो दिखाते हैं भाई जो रियलिटी है, काम कर रहे हैं जो दिखाएंगे, अब ऐसा तो है नहीं बिना काम के आप चल लोगे इधर, तो काम तो करना पड़ेगा। अगला है जी ऑटोमिक सिद्धू, एटोमिक सिद्धू, बम्ब सिद्धू भाई, नाइस वीडियो, आई एम बिग फैन ऑफ यू ब्रो, प्लीज गिव योर नंबर यार, सिरा व्लॉग और फुल सपोर्ट तुहाडे व्लॉग लई जी, ओके थैंक यू वीरे, बट नंबर नहीं दे सकते, कोई नहीं, बाकी धन्यवाद तेरा वीर, तू कमेंट किया। दमन ढींसा, इंडिया लेवल लिस्ट 3 लेवल, भाई यार वीडियो चेक कर लो, और किसी दी मैनू इन्नी जॉब, मैंने इन्नी नॉलेज नहीं है कि गुस्सा ना करो, चेक कर लो किसी होर दी, मेरे वीर जिन्ना मैंने पता ही मैं दसता स्टार्ट विच ही। अगला है टिप्स फॉर आयल्स, वीरे यार एक बात बता दे कि सच है क्या, अगर स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसके वीज़ा चेंज चांसेस हाई होते हैं? भाई बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मलिक फुरकान,
कहानी है। बैकग्राउंड सॉन्ग नेम प्लीज एंड हु लाइक दिस द सॉन्ग। भैया देखो मैंने लिखा है स्टार्टिंग में भी और एंड में भी दोनों गानों का, चेक करें भैया। और अगला है जी AV86 का, भाई ने फिर लिखा और भाई स्केटबोर्ड का क्या हाल है, स्केटबोर्ड पड़ा हुआ है दिखा देते हैं। लो भाई आपको तसल्ली करवा दी स्केटबोर्ड वाली, वही सीधा वो देख रहे हो ना, टिश्यू के साथ लग के बढ़ा है, ठीक है अभी रखा हुआ इसको आराम से करेंगे इसका भी कभी टाइम मिला तो। अगला जी अभय सैनी का, भाई आई वॉन्ट टू नो दैट इंडिया में ये ह्यूमर चल रहा है भाई, वो लेवल 3 वाला सच है भाई, टेंशन मत लो सब हो जाना यार, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अमिताश बसीन, नाइस वीडियो, आई हैव सीन ऑल ऑफ योर वीडियोज एंड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी टू स्टार्ट व्लॉगिंग। थैंक यू भाई, करो स्टार्ट, हम भी किसी से इंस्पायर हुए थे तो वो देख देख के बंदा सीखता है, कोई चक्कर नहीं है, लगे रहो। अगला ये पियानो प्लेयर, 12th के बाद साइंस मैथ के लिए स्कोप बताएं प्लीज़। भाई दोनों का स्कोप है अगर आप कर पाओ, मेरे को तो दोनों नहीं आती हैं, मैं क्या बताऊँ जी, मेरा खुद का बड़ा टाइट है साइंस और मैथ में। अगला है जी AX जोन का, ब्रो ऑस्ट्रेलिया डू नॉट हैव सर्वर फॉर पबजी बट यू कैन प्ले ऑन हाई पिंग। यार भैया देखो हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूँ अभी, प्ले स्टोर नहीं मतलब ऐप स्टोर में भी है, प्ले स्टोर इसमें है तो ऐप स्टोर इसमें है, तो दिखा दें आपको पबजी। अब लाइव स्ट्रीमिंग वाला मेरे को नहीं पता है, ये देखो भैया पबजी मोबाइल किधर दिख रहा है कि नहीं इसको, ओए दिख जा भाई, इस पर नहीं इस पर टैप करना पड़ेगा, नहीं यार इसकी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी फिर दिखेगा, नहीं तो मान तो गए ही होगे कि है, देख रहे हैं ना भाई पबजी लिखा हुआ, हाँ चलता है इधर, चलता है चलता है। अगला जी टिप्स फॉर आइल्स, यार इंडिया विच ह्यूमर चलती पई है कि इंडिया लेवल 3 ऑलरेडी दस्तावरे। अनमोल राणा, नाइस वीडियो ब्रदर, अपने हेयर कटिंग पर वीडियो बनाओ, ऑलरेडी बनाई है वीरे चेक कर लो, इन्हें क्यों है फिर यार, ठीक है जो भी है। अगला है जी विक्की शर्मा, भाई अगर वर्क परमिट वीज़ा में आना हो तो कितने पैसे लगेंगे वीज़ा के। भाई वर्क परमिट नहीं लगता, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा लगता है, टूरिस्ट वीज़ा लगता है। अगला है ऋतिक मस्ताना का, भाई Q&A किए काफ़ी टाइम हो गया है, कर दिया जी आपकी बात मान ली भाई, आप कोई रिटर्न पोस्ट डाल दो हम सब उस अपने क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि जिस वीडियो में कमेंट करके ते हैं आप Q&A नहीं करते, ये बात सही है भाई का आइडिया बिल्कुल कंटाप है, पोस्ट डालेंगे कम्युनिटी पोस्ट में, सही है भाई। संदीप मान का, भाई जी मेरी एज 19 मुंडे दी है, ये कॉपीराइट मार देंगे गीत MP3 वाले गाना नहीं गाना, 19 ईयर है मैं स्पाउस केस ला सकता, नहीं भाई तुम्हें नहीं ला सकते, गुस्सा ना करे बट 19 एज वाले का नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पता हों भी 19 साल में कोई विह नहीं करवा, नाले 19 साल तो बाद 19 साल तो बाद 12 ही पास किए तो 12वीं तो बाद स्पाउस नहीं लगता, बहुत बहुत घट चांस है, क्योंकि एक साल का हम मंगते हैं स्पाउस केस, तो रिस्क ना लो पैसा फसाने वाली गल, एजेंट तो कह देंगे कि लग जाता, बाकी अंबेसी नहीं देना वीज़ा, बाकी अंबेसी मेरी भी नहीं गई, लग भी सकता तुक्के की कोई चक्कर नहीं, बाकी घट चांस बहुत बहुत घट चांस होंगे। फिर मेहर हमायो, भाई वोलोंगोंग सिटी के बारे में एक व्लॉग बना दो, जॉब्स रिकमेंडेशन के बारे में वोलोंगोंग, करते हैं किसी भाई को कांटेक्ट जो वहाँ रहता हो, कोई चक्कर नहीं करते हैं। अगला टिप्स फॉर आइलेट्स का, दिल टूट गया सुन के कि इंडिया लेवल 3 च आ गया, +2 92% आर्ट्स स्ट्रीम है बट PT साढ़े 6, पर वीर साढ़े को फंड सिर्फ 15 लाख, पता नहीं यार, टेंशन लेने वाली गल नहीं यार, फंड तो तुम्हें शो कराने पैंदे ही आ, ते बाकी एजेंटा नाल गल करो चलता, समझ गया ना, वो करो गल एजेंटा नाल सारा हो जाता। Fortnite TV लव यू फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू भाई, लव यू टू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पोर्ट मुक्वेरी वॉक स्ट्रीट 28 पिनकोड 2444। किसी ने भाई यार कोई चीज़ भेजनी हो खुले दिल से स्वागत है, चीज़ भेजनी है 36 वॉक स्ट्रीट पोर्ट मुक्वेरी 2444, यानी कि 2-3x4 2444 पिनकोड है और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, भेज दिया करो यार, फ्री की चीज़ें मना नहीं करता आपका भाई। अगला ही सन्नी मकड़ का, वीरे आ वीडियो विच प्रदीप वीरे ने की कुक किया सी वो अंडापुर जी बनाई सी। अगला है जसकरण सिंह, भाई न्यू रूल ऑस्ट्रेलिया दे आना ते वीडियो बनाओ ब्रो, दस्ता
ਅਗਲਾ ਜੀ ਅਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਰਾ NSJ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ। ਮੇਹਰ ਠਾਕੁਰ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀ ਦੀ? ਬ੍ਰੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀ ਕਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ। ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ $13,400 ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਬਤਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ। ਬਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ, ਜੇ ਭਈਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਈਆ ਭਈਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਭਈਆ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਕਹਤੇ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਸੇਟੀਆ ਰੈਕੋਰਡਸ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੀਨ ਨੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਲੇਟ ਚੱਕਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਝਿਜਕਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਆਪਦੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸੀਗੇ, ਉੱਦਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਕੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਈਸ ਕੁੱਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਓ। ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲੋ ਕੂਦੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਸਕੋਪ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰਤੇ ਅੱਛੇ ਸੇ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਫੌਜਦਾਰ ਕਾ, ਬਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ। ਗੈਟ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਆਗੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਬਾਈ ਕੇ ਚੈਨਲ ਕਾ ਨਾਮ। ਬਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਘਰ ਕਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਓ, ਬਾਈ ਉਹ ਯੂਨੀ ਕਾ ਹੀ ਵਲੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਉਧਰ ਕਾ, ਉਹ ਰੂਮ ਟੂਰ ਹੈ ਉਸਕਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਲੂਨਾਗਰੀਆ ਜੈਦੀਪ, ਲੂਨਾ ਗੜੀਆ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਚਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਏਕ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਭ ਲੋਕ ਏਕ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਣਾ, ਬਾਈ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਮਤ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਆਪਕੇ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਟੈਲ ਮੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ $150 ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਾ $122 ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਅੰਕੁਰ ਬਾਈ ਕਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਏਕ ਦੋ ਤੀਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਤ, ਸਾਤ ਵਾਰ ਬਾਈ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਸਾਤ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਰੋਹਣ ਕਾਮਤੇਕਰ ਕਾ, ਬਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਕਿਤਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਵਰ? ਮਿਨੀਮਮ 20 ਜਾਂ 22 ਹੋਤਾ ਹੈ, 20 ਹੀ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਅਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਜੀ 8-ball ਪੂਲ ਬਾਈ ਕਾ, ਬਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕਭੀ ਕਭੀ, ਜਾਂ ਤਬ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਬ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਮੇਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੋ, ਬਾਕੀ ਔਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਈ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਜੁੱਪਰ ਡੁੱਪਰ ਕਾ, ਬਾਈ ਰੂਲਸ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋਰੀ। ਦਾ ਕੋਸਮੋਸ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਡਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਕਿਆ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸਕੀ ਫੀਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਆਪ ਉਸਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਨ ਨੇਗੀ ਕਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸ਼ੈਫ, ਓਕੇ ਬਾਈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਕਾ, ਬਾਈ ਜੋ ਅਭੀ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਕੋ ਉਸਕੀ ਪੇ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਪੇ ਬਾਈ ਹਮ ਲੋਕ ਮਿਲਤੀ ਹੈ $20 ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਕੀ। ਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਭੀ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਇਤਨੀ ਬਾਰ ਬੋਲਾ ਹੈ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ, ਭਈਆ ਸੋਰੀ ਉਸਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਨੀਚੇ ਬਾਈ ਕਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ 12th ਕੀਏ ਹੋਏ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ 2 ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲਈ। ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਈਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਾ। ਕਮਲ ਬਰਾੜ ਕਾ ਹੈ ਜੀ ਬੋਰਿੰਗ, ਤੋ ਭਈਆ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਜਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਂਗੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਆ ਬੀਚ ਮੇਂ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਭਈਆ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਵਲੋਗ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਚਲਤਾ ਵੈਸਾ ਚਲ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪ ਮਤ ਦੇਖੇ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਸੌਰਭ ਜਵਰਾਲ ਬਾਈ ਕਾ, ਬਾਈ ਆਪਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਤੋ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਬਾਈ ਆਪ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇ, ਈਮੇਲ ਪੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ,
nsdvlogs851@gmail.com। अगला जी पारस कुमार का, भाई वीडियो तो बाहर भी फ्रैगरेंस फील फैल गई, वीडियो तो बाहर भी, चलो वधिया गल है, मैं कह गई तुहानू भी फ्री में। अगला जी काजू नेशन का, नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू ब्रो। प्रदीप मोहन भाई थैंक यू सो मच, आपने ऐसे ऐसे भेजा है लिख के, थैंक यू। मनदीप रोहिला, इंडिया कितने टाइम बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से? भाई चाहे दूसरे दिन वापस हो लो कोई चक्कर नहीं, लेकिन भैया पैसा बहुत लगता है। लखबीर सिंह का, ब्रो कैपेला सिटी के बारे में बताओ, मैंने भाई नाम ही पहली बार सुना है, सॉरी इसके लिए। गुरप्रीत, वीरे जे वाइफ नाल आना होवे तां इकट्ठे आ सकदे हैं? भाई आ सकदे हो, कोई चक्कर नहीं। तो किहड़े कोर्स विच फायदा है? मेरी वाइफ ने बी ए की हुई है आइल्स की। भाई यार बी ए तो बाद तुहानू की हुंदा वा, एम बी ए, एम नहीं यार, बी ए तो बाद एम बी ए हुंदा, की हुंदा वा, बी ए तो बाद वाले जिहड़े इंडिया कोर्स मिलते उही इत्थे मिलने आ, तो उहदे विच ही तुहानू वीज़ा मिलना भाई, आर्ट्स वाले ही मिलणगे। अगला है जी द बिग डॉग का, भाई का नाम कैसा है, भाजी यूनिवर्सिटी स्काइप इंटरव्यू का रिजल्ट किन्ने दिन बाद आता है, दसो भाजी प्लीज़। भाई शायद वो एक वीक लै लेंगे, बट छेती ही दे देंगे आ। पर अगला है उत्तिष्ट भारत का, भारत प्रदीप भाई का, भाई का नाम है उत्तिष्ट भारत, भाई का कमेंट है प्रदीप भाई का शोषण बंद करो, एनएसजे व्लॉग्स हाय है, एनएसजे व्लॉग्स हाय है, थैंक यू भाई, कोई नहीं कर देंगे भैया, वो शोषण नहीं करते हैं, वो भाई काम करता है अपने वहाँ, तो शोषण वाला तो भैया कोई काम नहीं, हम किसी का क्यों करेंगे, हमने तो भाई की जॉब लगवाई उल्टी, फ़ायदा दे रहे हैं उसको, और हम भैया इतने बड़े पीआर वाले नहीं हो गए, या हम इधर की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जो किसी का शोषण करें, तो भैया सब कमेंट हो गए ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ठीक ठाक ही लगी होगी, इधर कौन सा वो कुछ हो रहा है, तो बहुत लोगों के कमेंट थे कि भाई रिप्लाई नहीं करते हो, तो रिप्लाई कर दिया आपका, अब गुस्सा होने वाली बात नहीं है, और अब मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया करूँगा कि सब लोग उसके नीचे आ जाया करना, पूछ लेना, मैं कर दूंगा रिप्लाई भाई सबके। तो अब ये भी ख़त्म ही हो गई, लगभग थोड़ी थोड़ी हैगी अभी, कट लेनी है अपन हला हला के, पैसे लगते भी रहे, फ्रीज नहीं आती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। बाहर हो गया, क्या हो गया मतलब शाम का टाइम हो गया, तो रूम की एक बार हालत आपको फिर से दिखा दें, पुराना टाइम याद दिलवा दें पहले वाला, देखो तो ये सीन चल रहा है इधर भैया अभी। तो करनी है सफाई जी आज, तभी दिखा रहे हैं आपको, ये बियॉन्ड द सीन देख लो, ऐसे इधर बनती नहीं पहली बात तो इधर वीडियो। और ये कल भाई ने दिया था मेरे को, वो मार्कर था, तो हमने पुताई कर दी इसकी, और भी करेंगे इधर से देखो, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी तो इसलिए मैं पुताई अच्छे से नहीं करता, किसी से करवाते हैं सही से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहो, आबाद रहो, बाकी ठीक ठाक ही है। बहुत लोग कहते हैं ना बाहर का व्यू दिखा दो, आज बाहर का भी दिखा दो, खाली है ना आज, लाइटें लुटे जला लें, नहीं तो अंधेरा है, और ये एस टेन तो वैसे ही माशाल्लाह काम इसका, हाँ ठीक है, तो देख लो भैया इधर का बाहर का सीन, ठीक है, शाम का टाइम है, अच्छा मौसम है, हवा चलती रहती है, और गर्मी भी नहीं है ना ज़्यादा ठंड है इधर, बाकी शहरों में गर्मी भी ज़्यादा और ठंड भी ज़्यादा होती है। उधर सामने समुंदर है, अबे कर ले जूम, हाँ ठीक है, फोकस नहीं करता ये, हौली जाने तेज कर दो, जो क्वांटल बजर भी था प्यार उत्ते गलबात आही करी जल हरी जड़ी अच्छी जड़ी है थले लगे जल ना वासन ठीक है ओके थले लगे जल मेरी लिफ्टर थोड़ा तोड़ना।